और ईद में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त में आपको अगर मंडी का हाल दिखा तो बिल्कुल सन्नाटा जो है वो छाया हुआ है। यहाँ से अभी गुजर रहे थे व्यापारी साहब, तो मैंने उनसे एक छोटे से जानवर का रेट पूछा तो वो 1,90,000 रुपये बता रहे थे। सुराबगुट से एंटर हुए, यहाँ से जो है वो मंडी के गेट तक बल्कि अंदर तक जो है वो सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी हमें नजर आ रही है। महंगाई क्यों हुई आज इस दफा ज्यादा है? खर्चा बहुत है यार। अच्छा, ये क्या वजह हो सकती है इतनी महंगाई? इन्होंने मतलब कुछ भी नहीं है, वजह एक ही है, कराची की आवाम जो है पब्लिक है ये बेवकूफ है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं एशिया के सबसे बड़े मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और ईद में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको अगर मंडी का हाल दिखाऊँ तो बिल्कुल सन्नाटा जो है वो छाया हुआ है हर तरफ। अब ये सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? पिछले साल तो हालात की वजह से था, लोग कह रहे थे कि सेफ नहीं है रास्ते, लेकिन यकीन करें इस बार जब हम सुराबगुट से एंटर हुए वहाँ से जो है वो मंडी के गेट तक बल्कि अंदर तक जो है वो सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी हमें नज़र आ रही है और जगह जगह जो है वो पुलिस खड़े हुए। लेकिन इस बार मंडी खाली होने की वजह क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में यहाँ से अभी गुजर रहे थे व्यापारी साहब, तो मैंने उनसे एक छोटे से जानवर का रेट पूछा तो वो 1,90,000 रुपये बता रहे थे। अच्छा, व्यापारियों को ऐसा लग रहा है कि ये पैसे जो है वो दरख्तों पे उग रहे होते हैं और बस ये लोग जो है वो यूँ वहाँ से जो है वो उगाड़ के जेब में रख के इधर आते हैं और इनको दे देंगे। तो मेरे ख्याल में महंगाई जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और ईद में जो है वो सिर्फ 5 दिन रह चुके हैं। यकीन करें जब इस तरह अगर हम 3-4 साल बैग जाए और ईद में 4-5 दिन रहते थे तो यहाँ पर यकीन करें पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज जो मनाजिर, ये सिर्फ मैं आपको अवामी ब्लॉक दिखा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है, KPK ब्लॉक के लाया जाता है। यहाँ पर जो है वो छोटे बड़े सारे जानवर मौजूद होते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है। लेकिन यकीन जाने कि इस बार बाहर तो क्या, ये जगह जो है वो बिल्कुल खाली है। मीडिया इंतज़ामिया बेहतरीन काम कर रही है, यहाँ की सिक्योरिटी बेहतरीन है, शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो आपको जगह जगह पुलिस के नाके मिलेंगे। लेकिन महंगाई जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। हम कोशिश करेंगे कुछ व्यापारी से बात भी करें, अगर वो करना चाहे, वो भी इस वक्त जो है वो शार्ट चल रहे हैं, तो आपको मंडी के बकाया जो है वो इंतज़ाम दिखाएंगे, यहाँ के जानवर दिखाएंगे, रेट्स दिखाएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहिए। मैं यहाँ पर जो है मौजूद हूँ, मैं आपको यहाँ का सबसे सस्ता जानवर जो है मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने खड़ा हुआ है ये, और 1.60 जो है वो इसकी कीमत बताई जा रही है। और इसके अलावा जो है वो ये, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका रेट भी जो है मैं पूछ लेता हूँ। बॉस, इसका क्या बताया था आपने? 1.70। अच्छा, 1.70, ये जो है माशाल्लाह 1.70 का है और छोटे कद का जानवर है, खूबसूरत सा। दो दांत है। अच्छा, दो दांत जानवर है। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो है वो बहुत सारे जानवर हैं। लोग आ रहे हैं खरीदने? बहुत आ रहे हैं। अच्छा, डेली आ रहे हैं? इस वक्त तो खाली खाली लग रही है मंडी, ये क्या वजह है? माल कम है इसी वजह। अच्छा, तो कितने जानवर लाए थे और कितने बिक गए? हमारे 40 डोर था, बाकी 10 बच गए और बिक गए। अच्छा, बिक गए, महीना हो गया है वे यहाँ पे? 10-12 दिन। अच्छा, 10-12 दिन। तो क्या ख्याल है, ये जो बच गए ये भी 10-15 दिन में, ये जो बाकी 4-5 दिन रहेंगे निकल जाएंगे? इसी रात में खत्म हो जाएंगे। अच्छा, खत्म हो जाएंगे। रात में रश होता है? जी हाँ जी। अच्छा, एक नॉर्मल से मैं अगर आपसे सवाल करूँ, महंगाई क्यों आज इस दफा ज्यादा है? खर्चा बहुत है यार। अच्छा, हम मेहनत बहुत करते हैं, 3 साल मेहनत करते हैं एक जानवर पे। ये जो सामने है दो दांत का, जिसमे कितने साल लगे? 3 साल लगे हैं। सही, तो जो खीरा लेते हैं तो वो बोलते हैं खीरा नहीं ले आओ। अच्छा, फिर बोलते हैं दो दान 3 साल के बाद होता है। अच्छा, मेहनत करते हैं, बहुत आटा लगता है, मेहनत बहुत ही वगैरह इसका करते हैं। ठीक हो गया है। फिर मंडी वाले अपनी करते हैं, जो यार इतनी मांगे क्यों हो गई है? देखो घी चीनी कितनी मांगी, हम क्या करें, हम गरीब बंदे हैं। चले, ये जो है वो इनके पास कुछ जानवर रह गए, 1.70 इसका बता रहे हैं, और ये कितने का बता रहे हैं सर? 2.20 का 2.20 का 3 मन का। तो ये मतलब आप फाइनल रेट बता रहे हैं या कुछ मोहब्बत करेंगे? कुछ मोहब्बत करेंगे। अच्छा, कुछ मोहब्बत करेंगे। चले भाई, तो अगर आप मंडी आए तो पंजाब लोग में बाइक मौजूद है, आपको आई लव यू भी बोलेंगे और मोहब्बत भी करेंगे। ठीक है, रेट रेट थोड़ा कम करना कोई आए तो। चले, थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वो ये रेट इस वक्त चल रहे हैं, 1.60 का वो मैंने आपको दिखाया, 1.70 का वो दिखाया, 2.20 का जो है वो दिखाया, और कह रहे हैं कि कुछ मोहब्बत जो है वो इंशाल्लाह करेंगे आपसे। तो
तो इसके अलावा भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे जानवर मौजूद हैं, जैसे ये सामने कुछ जानवर मौजूद है, 4-5 लाख जो है वो इसकी कीमत बता रहे हैं। तो इंतज़ामिया के हवाले से अगर हम बात करें तो इस बार जो है वो इंतज़ाम बड़े अच्छे किए हुए हैं। और ज़हीर क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, क्या कह रहे हो इस बार मंडी में और पिछली बार मंडी में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? पिछली बार तो मंडी में ये था कि महंगाई कम थी, इस साल तो बहुत महंगे, साल 2 मन 2.5 मन का जो बछड़ा है वो कम से कम 3.5-3.30 मांग रहे हैं। तो यार ये क्या वजह हो सकती है इतनी महंगाई इन्होंने जो है? वजह कुछ भी नहीं है, वजह एक ही है कि कराची की आवाम जो है पब्लिक है ये बेवकूफ़ है। यहाँ जो मम्मी डेडी लोग आते हैं वो गाड़ी से बाहर निकलते नहीं है, वहीं से इशारा करके बोलते हैं भाई ये जानवर कितने का है, तो जब ग्वाला बोलता है भाई 3 लाख का, वो कहते नहीं 3 ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर दो, तो 2.50 में लेके जाते हैं। इस बात ये सब लोगों को पंजाब वाले जो भी आते हैं उनको पता है भाई कराची की आवाम बस खूबसूरती और मरती है। अभी मुझे वहाँ एक जानवर दिखाया तकरीबन 3 मन का था, 2.20 जो है वो मांग रहा था, तो क्या जायज़ रेट है ये 3 मन के? 2.20 तो 35,000 रुपये मन चल रहा है, तो उस हिसाब से दिखाएं तो इतना तो 3.20 तो बहुत ज़्यादा है। 2 मन का जो जानवर है उस दिन हम लोग लेके आए हैं वहाँ की डॉन से, वो हमने 1.47 में लाया है। अच्छा, कम से कम ये है कि 1.50-1.60 ये मुनासिब है। चलें बाकी मंडी जो है वो आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो है वो बहुत सारे जानवर मौजूद हैं और लोग जो है वो इस दफ़ा रश थोड़ा सा कम है, उनका कहना है कि रात में जो है वो लोग आ रहे हैं, इस टाइम रश थोड़ा सा कम है, लेकिन खैर जानवर जो है वो मौजूद हैं और जानवर भी कम कम नज़र आ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि निकल गए हैं, बिक गए हैं, तो अब देखते हैं कि क्या ईद वाले दिन तक जो है वो ये जगह खाली होती है कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।